हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ ये कर चुके हैं। कल का जो लास्ट टॉपिक हमें जो आज डिस्कस करना था वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। कल का जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस। दोनों चार्ज इक्वल है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, लेकिन पोलैरिटी ऑपोजिट है। एक का चार्ज माइनस क्यू है, दूसरे का चार्ज प्लस क्यू है। जो डाइपोल की डायरेक्शन थी, डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है हमारे पास? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। आज हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ऑन एक्सियल लाइन। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्विटोरियल लाइन एंड एट एनी पॉइंट। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक होगा वो ये वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। इसकी वजह से इक्विटोरियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डाइपोल, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस अज्यूम कर लिया हमने 2a। तो एक्सियल लाइन हमारे पास कौन सी लाइन थी? एक्सियल लाइन इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। एक्सियल लाइन वो लाइन है जो कि इधर से पास हो रही है, इसके सेंटर से और इसके एक्सिस से। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हमारे पास कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन। इस लाइन के ऊपर क्या निकालेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस लाइन के ऊपर हम कहीं पे भी निकाल सकते हैं। तो हमने फिलहाल के लिए अज्यूम कर लिया कोई भी रैंडम पॉइंट। द पॉइंट इज दिस, द पॉइंट इज पी। मैंने इस पी पॉइंट को अज्यूम कर लिया कि ये कितने डिस्टेंस से दूर है, आर। जो पी पॉइंट है वो हमारा आर डिस्टेंस दूर है, किससे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब अगर ये टू है, ये हमारा सेंटर है डाइपोल का, तो हमारे पास ये डिस्टेंस ए होगा और ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा? ए होगा। तो बेसिकली मैं देखूं पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द माइनस क्यू, इस माइनस क्यू वाले चार्ज से पी का डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज आर, दिस इज ए, देन द टोटल डिस्टेंस इज आर प्लस ए। और हमारे पास प्लस क्यू से लेके पी का डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरा आर है, ये पूरा ए है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? आर माइनस ए। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किस पे? पॉइंट पी पे। जस्ट एज द फोर्स, फोर्स की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या फॉलो करता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फोर्स में क्या था कि नेट फोर्स जो भी होगी किसी पार्टिकल पे वो हमारे पास इक्वल होगी द इंडिविजुअल फोर्स अप्लाइड बाय ऑल द पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल हैं वो सब जो भी इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करेंगे उनका वेक्टर सम होगी। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे बात करें तो दो चार्जेस की वजह से होगी, एक तो प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू। अब किसकी वजह से ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? प्लस क्यू हमारे पास पास है किसके? पी के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो ज्यादा होगी, इससे नेगेटिव की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, डायरेक्शन की फिलहाल हम कोई बात नहीं कर रहे।
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द पॉजिटिव चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसकी, नेगेटिव चार्ज की वजह से जनरेट हुई है उसके मैग्नीट्यूड से। अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसकी इक्वल होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का क्या होगी, वेक्टर सम। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा किधर होंगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होंगी, दूर की तरफ होंगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होंगी, अंदर की तरफ होंगी, अंदर की तरफ आती दिखाई देंगी। पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ जाती दिखाई दे रही और नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ आती दिखाई दे रही। पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन ये होगी और नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन ये होगी। अगर मैं बात करूं प्लस क्यू की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, पी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ड्यू टू प्लस क्यू वो बाहर की तरफ होगी, डायरेक्शन हमारे पास होगी ये वाली, तो ये क्या है हमारे पास ई, पॉजिटिव की डायरेक्शन। अगर मैं पी पे बात करूं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो वो डायरेक्शन होगी हमारे पास ये वाली ई नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड, अंदर की तरफ, और पॉजिटिव की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास, बाहर की तरफ। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, ई पॉजिटिव ग्रेटर देन है इससे ई नेगेटिव से, तो जो नेट डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की पी पॉइंट के ऊपर, तो वो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, पॉजिटिव का इफेक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो ज्यादा डोमिनेंट है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। वेक्टर एडिशन में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब फोर्स के लिए पढ़ा, तो उधर देखा था अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका सम डायरेक्ट होगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो एक का साइन नेगेटिव होगा एक का साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर दोनों किसी एंगल पे हैं एट एन एंगल थीटा, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस टाइप से था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस ऑफ थीटा। फिलहाल हम इसकी इसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव उस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव इस साइड है, पॉजिटिव वाली का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, नेगेटिव वाली का कम है, तो हमारे पास जो भी नेट रिजल्ट होगा वो ड्यू टू किसकी वजह से होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा। अब बात आती है हमारे पास ई पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी और ई नेगेटिव की वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है हमारे पास, बाई डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास फोर्स बाई चार्ज, इधर से फोर्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये एक्सप्रेशन हम आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल्ड में डिराइव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, और फोर्स की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को मैं इक्वल पुट करूँ, फिलहाल को इनसे रिलेट नहीं करना, ये माइनस के हुए प्लस के हुए, इधर हमने लिया है क्यू नॉट और क्यू, दो चार्ज पार्टिकल, मैं फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहा हूँ ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, एक कोई भी सिंगल चार्ज है क्यू, उस चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है क्यू वन है क्यू टू है क्यू नॉट है कुछ भी वैल्यू है, अगर उसके ऊपर क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, उसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू एक तो ये है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स की वैल्यू एक ये है ड्यू टू कूलम्स लॉ। अगर मैं दोनों को इक्वल पुट करता हूं तो मेरे पास क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, जो ई की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है, अगर वेक्टर का साइन लूंगा तो इधर क्या आएगा आर कैप। ये एक्सप्रेशन है ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज क्यू है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन के लिए क्या है हमारे पास आर कैप। तो ई पॉजिटिव किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा कितना है आर, ये वाला कितना है आर माइनस ए, तो हमारे पास ई पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का स्क्वायर। अब देखो डायरेक्शन की बात करें तो ई पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ई नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो मैंने मान लिया कोई भी डायरेक्शनल वेक्टर एन कैप, डायरेक्शनल वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है हमारे पास एन कैप जो कि शो कर रहे हैं उस साइड वाली डायरेक्शन को,
वेक्टर या फिर डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली माइनस एन कैप किधर होगा, अ वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। प्लस एन कैप ये डायरेक्शन है और माइनस एन कैप ये डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन है, तो ये क्या होगी एन कैप। अगर मैं ई नेगेटिव की बात करूँ तो ई नेगेटिव किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एन कैप है तो ये कौन सा होगा, ई पॉजिटिव। ई नेगेटिव की बात करूँ तो वो इक्वल होगा के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस फॉर द नेगेटिव चार्ज, ये डिस्टेंस आर ये डिस्टेंस ए, तो टोटल डिस्टेंस हो गया माइनस क्यू का आर प्लस ए। तो ये हो गया हमारे पास आर प्लस ए का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो ड्यू टू नेगेटिव वो ये डायरेक्शन है, अगर ई पॉजिटिव की डायरेक्शन वो है उसको हमने एन कैप से डिनोट किया तो ई नेगेटिव की डायरेक्शन ये है, अगर वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है तो ये वाली किधर शिफ्ट होगी, लेफ्ट की तरफ, जो लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है वो डायरेक्शन हमने कैसी ली है नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, साथ में यूनिट वेक्टर क्या होगा माइनस एन कैप। इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं माइनस ए क्यू बाय आर प्लस ए स्क्वायर एन कैप। हमारे पास ई पॉजिटिव की वैल्यू आ गई, ई नेगेटिव की वैल्यू आ गई। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ई पॉजिटिव की जो वैल्यू थी हमारे पास के क्यू बाय आर माइनस ए स्क्वायर एन कैप, ई नेगेटिव के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए स्क्वायर एन कैप विद नेगेटिव साइन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास इक्वेशन थी ई इज इक्वल टू ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, इन दोनों का वेक्टर सम। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को हटा दो तो हमारे पास एन कैप को हम हटा के चलेंगे जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। डायरेक्शन को मैं इसीलिए हटा रहा हूँ क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में या फिर ओपोजिट डायरेक्शन में, इसी केस में हम डायरेक्शन को हटा के चलेंगे। अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे होती, ये ई वन होता ये ई टू होता, ये डायरेक्शन एक तो ये डायरेक्शन है दूसरा ये डायरेक्शन है, एक तो ये डायरेक्शन है दूसरा ये डायरेक्शन है, अगर ये दोनों किसी एंगल पे होते तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन लेनी पड़ती। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से एन कैप सेम है, सिर्फ किस में चेंज आया है साइन में, इधर नेगेटिव है इधर कैसा साइन है पॉजिटिव, देयर इज अ साइन का चेंज, साइन का चेंज है हमारे पास और कुछ नहीं है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसके इक्वल होगी, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, ई नेगेटिव की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उसके आगे साइन को कैसा लेंगे हम नेगेटिव, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी के क्यू बाय आर माइनस ए स्क्वायर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए स्क्वायर, दोनों की डायरेक्शन सेम है अलोंग एन कैप। ये माइनस साइन किसकी वजह से है, क्योंकि चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो टूवर्ड्स लेफ्ट थी। इधर देखिए जो चीज़ हमारे पास कॉमन है वो क्या है, के क्यू कॉमन अंदर रह गया हमारे पास 1 बाई आर माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1 बाई आर प्लस ए स्क्वेयर, इन दोनों का एलसीएम ले तो एलसीएम होगा हमारे पास आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ये होगा हमारे पास आर प्लस ए का होल स्क्वेयर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वेयर, बार हमारे पास एज इट इज है के क्यू दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एलसीएम आई होप आप सबको सोल्व करना आता होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वेयर आर प्लस ए का होल स्क्वेयर, तो एलसीएम हमारा कुछ इस टाइप से आएगा आर माइनस ए आर प्लस ए इन दोनों का होल स्क्वेयर। ये हमारे पास एक मैथ की आइडेंटिटी है जो हमने 9th 10th में पढ़ी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसी को हमने क्लोज फॉर्म में लिख दिया आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इस सारे का होल स्क्वेयर, ये एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्ट लिखी है। जब इस सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू होंगी। अब इस वाली वैल्यू को सोल्व करके देखते हैं, ऊपर एलसीएम सोल्व किया हमने आर प्लस ए का होल स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू आर ए माइनस
आर माइनस ए का होल स्केयर इक्वल होगा हमारे पास आर स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस टू आर ए, आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास रिजल्ट होगा आर स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस टू आर ए माइनस आर स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस टू आर ए। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराइए डिवाइडेड बाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर, माइनस आर स्केयर से प्लस आर स्केयर प्लस ए स्केयर से माइनस ए स्केयर, ये कैंसिल आउट हो गया, जो रिजल्ट बच गया प्लस टू आर ए प्लस टू आर ए दैट इज इक्वल टू फोर आर ए डिवाइडेड बाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर होल स्केयर। इसके अलावा जो बाकी रिजल्ट था के क्यों हमारे साथ बार कॉमन चल रहे एज इट इज, सबके बार क्या है हमारे पास के क्यों के क्यों के क्यों, ये क्या आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये की वैल्यू आई है हमारे पास के क्यों फोर आर ए डिवाइडेड बाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर रेज टू द पावर टू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास के क्यू फोर आर ए डिवाइडेड बाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। नेट डायरेक्शन हम देख चुके हैं, नेट डायरेक्शन अगर नेगेटिव चार्ज इधर है पॉजिटिव चार्ज इधर है तो इसकी वजह से नेट डायरेक्शन किधर है बाहर की तरफ है, इसी का यूज करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे एट एनी पॉइंट। अब इसको थोड़ा और सोल्व करें तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी देखा था, पी हमारा किसके इक्वल होता है एनी ऑफ द चार्जेस मल्टीप्लाई देयर डिस्टेंस मल्टीप्लाई देयर सेपरेशन, पी हमारे पास इक्वल होता है क्यू मल्टीप्लाई टू ए। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ के क्यू फोर आर ए को लिख दिया मैंने टू आर मल्टीप्लाई टू ए डिवाइडेड बाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर का होल स्केयर। अब क्यू मल्टीप्लाई टू ए क्या होगा हमारे पास पी, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगी के टू पी आर डिवाइडेड बाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर रेज टू द पावर टू। के किसके इक्वल होता है हमारे पास वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर डिवाइडेड बाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर होल स्केयर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वेक्टर का साइन, वन मिनट, ये एक्सप्रेशन आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास ई वेक्टर इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर डिवाइडेड बाई आर स्केयर माइनस ए स्केयर होल स्केयर एन कैप, एन कैप इज द डायरेक्शन। इधर जो देखा है हमने ये वाली डायरेक्शन ये क्या है हमारे पास एन कैप, और जो इस साइड वाली है वो क्या है हमारे पास माइनस एन कैप। ये दोनों यूनिट वेक्टर है ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है ये नेगेटिव डायरेक्शन है। जो हमारे पास नेट डायरेक्शन होगी रिजल्ट की वो कैसी होगी ये होगी। रीजन ये पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसके कंपैरिजन में ई नेगेटिव के कंपैरिजन में। ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल रिजल्ट आ गया इन टर्म ऑफ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसका एक स्पेशल केस है, हमारे पास होता है एक आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल के रिगार्डिंग हमारे पास एक स्पेशल केस है। डाइपोल क्या होता है हमारे पास माइनस क्यू प्लस क्यू टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस टू ए। आइडियल डाइपोल होता है ये दो चार्ज है इनके बीच में डिस्टेंस है, मतलब द रेडियस ऑफ द चार्जेस इज नेग्लिजिबल किसके कंपेरिजन में जो इनके बीच में डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसको कंपेयर करें तो अगर हम चार्ज पार्टिकल की रेडियस को देखें तो अगर चार्ज पार्टिकल की रेडियस इतनी ज्यादा हो जाए कि वो टू ए को क्या कर दे नेग्लिजिबल, मतलब केस हमारे पास कुछ इस टाइप का हो, ये माइनस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस टू ए, द रेडियस इज मच मोर ग्रेटर देन
द इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन। तो इस टाइप का जो भी डाइपोल होगा हमारे पास, वो डाइपोल कैसा होगा? आइडियल डाइपोल होगा। आइडियल डाइपोल के केस में जो 2a है वो हमारे पास कैसा होगा? नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल है तो इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट मॉडिफाई होगा। स्पेशल केस क्या है हमारे पास? इफ आर इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन 2a, आर की वैल्यू बहुत बड़ी है हमारी किससे? 2a से। 2a की वैल्यू हमारे पास नेग्लिजिबल है, अगर नेग्लिजिबल है तो नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ए इधर ए की क्वांटिटी में है, 2a नेग्लिजिबल है तो a की वैल्यू तो और भी छोटी होगी। अब a छोटा है तो a स्क्वायर क्या होगा? वेरी नेग्लिजिबल हो गए। ए स्क्वायर क्या होगा? बहुत छोटा होगा, अप्रोच कर रहा है जीरो को, जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इस टर्म को क्या करेंगे? जीरो। हमारे पास नेट रिजल्ट क्या होगा? E इज इक्वल टू 1/4πε0 टू पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू अप्रोच करके जीरो को, तो इस टर्म को हम हटा देंगे, हट गई। आर स्केयर का स्केयर ये किसके इक्वल होगा हमारे पास? अब ये बचेगा हमें आर की पावर 4। अब ये आर है, ये आर की पावर 4 है तो इधर बच गया आर क्यूब। तो हमारे पास जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी हमारे पास 2π/4πε0 आर क्यूब। ये स्पेशल केस है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ आइडियल डाइपोल। इस रिजल्ट का हम दोबारा फिर यूज करेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ये रिजल्ट आ गया, साथ में डायरेक्शन दिखानी तो एन कैप। ये रिजल्ट है हमारे पास किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये टॉपिक था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे होगी वो रिजल्ट है हमारे पास ये। इसे आने आगे वाले लेक्चर में देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। थैंक यू।